ऐसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है, वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। हरियाणा में चुनाव परिणामों पर जलेबी छाई हुई। सुबह सुबह तमाम रुझान कांग्रेस की एक तरफा जीत दिखा रहे थे, कांग्रेस कार्यालय में जलेबी भी बढ़ गई, लेकिन दोपहर होते होते हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, दुनिया ही बदल गई। कांग्रेस बहुमत से दूर हो गई और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से आगे हो गई। इसके बाद दोबारा जलेबी पॉलिटिक्स शुरू हुई। ये जलेबी का मामला दरअसल राहुल गांधी के एक चुनावी भाषण से चर्चा में आया। तो पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान ही सुनवा देते हैं जो उन्होंने गोहाना के मशहूर जलेबी, जिसे वहां जलेबा कहा जाता है, की तारीफ में दिया था। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है, पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं, इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों, मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने भी खूब ट्रोल किया, सोशल मीडिया पर काफी मीम्स शेयर हुए। लेकिन आज जब चुनावी रुझानों में कांग्रेस की जीत साफ दिखाई देने लगी, एग्जिट पोल भी कांग्रेस की जीत की ही मुनादी कर रहे थे, लिहाजा कांग्रेस दफ्तर में यही जलेबा बटने लगा। देखिए, लेकिन शाम होते होते कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा छाने लगा। वही बीजेपी नेता इसी जलेबी के बहाने कांग्रेस को चिढ़ाने लगे। इनका झूठ तीन जगह चला है, एक हिमाचल में चला है, एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है, और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है, और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठकराया है। अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके पास झूठ से सिवाय कुछ नहीं है। इनकी मंशा को, इनकी सोच को आज समझ चुके हैं
कि कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, झूठ की बात करती है। और उस हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है, मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है, एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु इस हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृती फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है, परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। नतीजों को यही देख रहे हैं, एक मोदी सप्पड़ भारी, मोदी की विश्वसनीयता, मोदी जी की आज जनता ने सर आंखों लिया है। अफवाह जो कहा जाता है ना, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते, एक बार गफलत में चढ़ गया उत्तर प्रदेश में, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी को तो जैसे गांव में कहते हैं मुंहे भार गिरे हैं, ऐसा मुंह भार गिरे हैं उनको होश नहीं आएगा। और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया, मोदी पर भरोसा किया, जुमला राहुल के जुमले पर नहीं भरोसा किया। पहलवान किसान और क्या क्या, जो सारे किसान और पहलवान तो हमारे साथ थे, जुमला उनके साथ था। लेकिन जिस पहलवान को चेहरा बनाया विनेश फोगाट, वो जीती है। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पहलवानों की स्मिता की बात है, महिलाओं की स्मिता की बात है, अग्निवीर योजना की बात है, तो आपको लगता है कि सब ये जो चीजें थी वो धराशायी हो गई? मैं तो पहले ही कहा जुमला कहीं चला नहीं कांग्रेस की, राहुल गांधी की, और हरियाणा की जनता ने आईना दिखा दिया है। और फिर मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, काट के घड़े बार बार नहीं चढ़ते। कुल मिलाकर गोहाना का जलेबा हरियाणा चुनाव के आखिरी दिनों में छाया रहा। नतीजों के दिन भी जलेबी पॉलिटिक्स जमकर हुई। जीत का लड्डू अब जीत की जलेबी में बदल चुकी है। वही जिस कांग्रेस ने जलेबी का जिक्र सबसे पहले छेड़ा था, उसके लिए जीती हुई लग रही बाजी हार कर जलेबी का स्वाद भी कसैला हो चुका है। बहरहाल राजनीति तो अपनी गति से चलती रहेगी, लेकिन गोहाना के जलेबा की लोकप्रियता इसी बहाने देश भर में हो गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस लोकप्रियता का लाभ स्थानीय दुकानदारों को भी मिले और गोहाना की इकोनॉमी को भी।